नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू मेहरोत्रा। पुराने 3 वीडियो में हम आपको प्रोग्राम प्लानिंग के सिद्धांत के बारे में बता चुके हैं। आज की वीडियो में हम एडवांटेज ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग अर्थात प्रोग्राम प्लानिंग की क्या उपयोगिता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वर्तमान में क्या स्थिति है और क्या होनी चाहिए, इसके बीच की जो दूरी है उसको पाटने का कार्यक्रम नियोजन करता है। मतलब वर्तमान स्थिति, किस स्थिति में व्यक्ति रह रहा है और क्या टारगेट लेके, क्या ऑब्जेक्टिव लेके चलेगा कि जिसके कारण से उसकी स्थिति बेहतर होगी, यही करने का कार्यक्रम नियोजन करता है। तो हम जब गांव में जाते हैं तो हम कार्यक्रम इसीलिए बनाते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं कि उनकी स्थिति बेहतर हो जाए। तो हम आपको यहाँ पे प्रोग्राम प्लानिंग के एडवांटेज का एक एक पॉइंट डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले सही एवं विश्वसनीय सूचनाएं प्रदान करना। कार्यक्रम नियोजन एकदम फैक्ट पे विश्वास करता है। सच्ची सूचनाएं ग्रामीणों को दी जाती है कि जब हम प्रोग्राम प्लानिंग करते हैं, जो हम स्टेप बनाते हैं उसमें हम सारी चीज़ों को लिखित रूप में लिखते हैं कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस तरह से हमें कार्यक्रम को चलाना है, किसके एक्सपर्ट की मदद से, कौन संस्था उसकी फंडिंग करेगी और कौन ग्रामीण वासी उनमें इन्वॉल्व होंगे, वहाँ का मुखिया नेता का क्या रोल होगा। तो सारी सूचनाएं कार्यक्रम नियोजन में सच्ची होती है और उसी के अनुसार कार्य किया जाता है। तो कार्यक्रम नियोजन की सबसे बड़ा उपयोगिता यही हो है कि ग्रामीणों को सच्ची सूचनाएं और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि कोई भी कभी भी कोई जानकारी लेनी चाहे वो फैक्ट होती है। दूसरा, सही मार्गदर्शन प्रदान करना। कार्यक्रम नियोजन इसीलिए बनाया जाता है कि ग्रामीणों को अच्छे से मार्गदर्शन दिया जाए कि उनको कौन सा कार्य कैसे करना है, उसी अकॉर्डिंग कार्यक्रम बनाया जाता है। जैसे खेती कैसे करनी है, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कैसे करना है, या उनका घर को बेहतर करने के लिए उनको किस तरह से न्यूट्रिशन, हेल्थ हाइजीन या अपने घर की इंटीरियर, जो भी चीज़ें बतानी होती है, सही मार्गदर्शन दिया जाता है। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम प्लानिंग के एडवांटेज है। तीसरा, स्थानीय लोगों का सहयोग। जब हम प्रोग्राम प्लानिंग चलाते हैं तो वहाँ के नेता, वहाँ के मुखिया, वहाँ की जो जनता है, उन सभी के बीच रह के कार्य करते हैं। तो स्थानीय लोगों से हमारा एक अच्छा संबंध बन जाता है। तो कार्यक्रम नियोजन का ये सबसे बड़ा महत्व है कि जिस गांव में हम कार्यक्रम चला रहे हैं वहाँ के लोगों से हमारा अच्छी बातचीत होती है, अच्छा संबंध बनता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, नेतृत्व का विकास। कार्यक्रम नियोजन जिस भी जगह चलाया जाता है तो वहाँ पे किसी भी नेता को चुना जाता है कि उस गांव का कौन मुखिया है या कौन नेता है। उसको जब हम उससे बातचीत कर लेते हैं तो उस नेता का ग्रामीणों से अच्छा संबंध होता है, ग्रामीण व्यक्ति उनको ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो उस नेता से बातचीत करने के कारण से हम जो कार्यक्रम चलाते हैं, हमारा कार्यक्रम इजीली संपन्न हो पाता है। तो इस तरह से कार्यक्रम नियोजन में लीडरशिप का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, व्यक्तिगत योग्यताओं एवं कार्य कौशल का विकास। कार्यक्रम नियोजन में व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, जो जिसमें भी जो योग्यताएं हैं और जो स्किल है, उसका डेवलपमेंट होता है। कार्यक्रम हम एक शेड्यूल्ड प्लान करते हैं कि कब, कहाँ, कैसे, किसके सहयोग से, किस संस्था के सहयोग से हमें कार्य करना है, उसमें कौन से ग्रामीण व्यक्ति इन्वॉल्व होंगे, कौन ग्रामीण व्यक्ति क्या कार्य करेगा। तो जिसकी जिस तरह की योग्यता होती है उस तरह का कार्य उनको सौंप दिया जाता है। तो उनकी योग्यता के अनुसार उनमें स्किल, कार्य करने का कौशल भी डेवलप होता है और उनकी स्थिति जो वर्तमान में है क्रमशः कार्यक्रम नियोजन के अकॉर्डिंग धीरे धीरे डेवलप होती जाती है, स्थिति बेहतर हो जाती है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड सुधरता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग।
कार्यक्रम नियोजन में जहाँ पे भी हम कार्यक्रम चलाते हैं, पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जिस जगह, चाहे गांव में चाहे हम शहर में कोई भी कार्यक्रम बना रहे, तो उनके पास इन प्रेजेंट कौन कौन से रिसोर्सेस है, उसी अकॉर्डिंग हम उनको एजुकेट करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको लर्निंग प्रोसेस देते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पे लकड़ी ज़्यादा आसानी से मिल जाती है, या कहीं की भूमि रेतीली है, या कहीं पे पानी ज़्यादा है, तो उसी अकॉर्डिंग जहाँ पे लकड़ी की चीज़ें, लकड़ी ज़्यादा मिल रही है, हम क्राफ्ट वर्क उनको सिखा सकते हैं, क्राफ्ट वर्क में तरह तरह से उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिससे कि वो क्राफ्ट के फील्ड में यदि कार्य करते हैं तो आगे उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इम्प्रूव करेगी। तो ये प्रोग्राम प्लानिंग का बहुत बड़ा महत्व है कि जो रिसोर्सेज उनके पास है उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको लर्न करवाना है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कार्यालय एवं संस्थाओं का सहयोग। जब हम कार्यक्रम चला रहे हैं तो अलग अलग नॉन गवर्नमेंट एनजीओ और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हम सपोर्ट लेते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट, प्रोग्राम ऑफिसर, प्रसार कार्यकर्ता, जिनके सहयोग से हमारा कोई भी कार्यक्रम सफल होता है। तो हमारा संस्थागत सहयोग और कार्यालयिक वर्क, मतलब ऑफिस वर्क जिसमें हमें टेक्निकल स्टाफ का भी सहयोग रहता है, तो ये सारी चीज़ें कार्यक्रम नियोजन की बहुत बड़ी यूटिलिटी है या बहुत बड़ी एडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं निरंतरता। कार्यक्रम नियोजन लगातार चलने वाला प्रोग्राम है। मान लीजिए हमने कोई कार्यक्रम बनाया, वो कार्यक्रम पूर्ण हो गया, तो उसके बाद हम दूसरा कार्यक्रम बनाते हैं, वो कार्यक्रम चलता है। जैसे हम यदि पास्ट में देखते हैं तो स्वतंत्रता के बाद से हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चलती रही। मान लीजिए एक पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान में चली, तो जब वो हो गई, जो उसके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए, फिर उसके बाद वो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई। इस तरह से कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में निरंतरता बनी रहती है, ये प्रोग्राम प्लानिंग की सबसे बड़ी एडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं संघर्षों में कमी। जब हम कार्यक्रम को नियोजित कर लेते हैं, प्लान्ड वे में करते हैं, तो जो हमारा कार्यक्रम में जो हमारी बाधाएं या दिक्कतें आने वाली है उसका क्या समाधान हम पहले से सोच लेते हैं। तो इस तरह से कार्यक्रम नियोजन में कार्यक्रम को मतलब स्टेप बाय स्टेप बनाने से उसमें दिक्कतें कम आती है, बाधाएं कम आती है, तो ये कार्यक्रम नियोजन की बहुत बड़ी एडवांटेज है। नेक्स्ट, क्रियाकलापों का चरणबद्ध निष्पादन। ये हमने आपको पहले भी बताया कि प्रोग्राम प्लानिंग में हम क्रमबद्ध पूरा शेड्यूल्ड और स्टेप के अकॉर्डिंग हम कार्यक्रम बनाते हैं। जब पूरा स्टेप क्रमशः हम उसको फॉलो करते हैं तो कोई भी कार्यक्रम में बाधा भी कम आती है और हमारा कार्यक्रम अच्छा रिजल्ट देता है। ये कार्यक्रम नियोजन की बहुत अच्छी उपयोगिता है। नेक्स्ट, भविष्य के लिए फायदेमंद। जब हम कोई भी कार्यक्रम का प्लान करेंगे तो जो कार्यक्रम वर्तमान में प्रेजेंट में चल रहा है उससे प्रेजेंट में तो लोगों को बेनिफिशियल, लोगों के लिए उपयोगी होगा ही, साथ में जो फ्यूचर में भी उस कार्यक्रम को देख के लोगों दूसरे लोग भी उस तरह से कार्यक्रम को प्लान करेंगे तो भविष्य के लिए भी कार्यक्रम की उपयोगिता है। नेक्स्ट, मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब है कार्यक्रम नियोजन की उपयोगिता इस तरह से, एक तो कार्यक्रम के बीच बीच में हम उसका इवैल्यूएशन करते जाते हैं कि जिस ऑब्जेक्टिव्स को लेके हमने प्लानिंग की प्रोग्राम की वो हमारे ऑब्जेक्टिव कितने फुलफिल हो रहे हैं, उस तरह से इवैल्यूएशन करते हैं। दूसरा, जब हमारा कार्यक्रम कंप्लीट हो जाता है तो उस कार्यक्रम से ग्रामीण कितने लाभान्वित हुए उससे भी हम उनका मूल्यांकन करते हैं। तो इस तरह से मूल्यांकन के माध्यम से हमें कार्यक्रम की ये चीज़ पता लगती है कि कार्यक्रम हमारा कितना सफल रहा या कितना सफल नहीं रहा। ये कार्यक्रम नियोजन की बहुत बड़ी उपयोगिता है। तो इस तरह से हमने आपको 12th पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए कि कार्यक्रम नियोजन की क्या उपयोगिता है। प्रसार के क्षेत्र में कार्यक्रम नियोजन बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जो कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही
बेनिफिशियल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।